नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत इस वक्त राजभोई समाज सागवाड़ा 8वीं रनिंग क्रिकेट प्रतियोगिता 2021-22 का यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है, जहां पर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया, उपाध्यक्ष राजूभाई गांची और बंधुभाई पाठक और उनके साथ में और भी कई अतिथि यहां पर उपस्थित हुए। इसके अलावा राजभोई समाज के अध्यक्ष और राजभोई समाज के जो चौकला है यहाँ पर उनके सभी जो सम्मानीय नागरिक हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है 25 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और ये 2 जनवरी 2022 को समाप्त होगा। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और जानकारी के बारे में हम यहाँ राजभोई समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे जानकारी लेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम है। जैसा कि खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष ने भी कहा, और ये एक एकता का प्रतीक है। इस संबंध में हम जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आज जैसा कि यहाँ पर राजभोई समाज की 8वीं रनिंग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, इस प्रतियोगिता के बारे में आप पूरा विस्तृत विवरण दें। आज ये शुरू हुई और कब ये समाप्त होगी और क्या क्या इसमें विशेषता रहेगी? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका स्वागत। इस राजभोई समाज चौकला क्रिकेट 8वीं क्रिकेट रनिंग प्रतियोगिता है जो सागवाड़ा में इस आयोजन का तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है। तो ये आयोजन हमारे 42 गाँव के चौकले हैं जिसमें टीमें आती हैं, जो डूंगरपुर से आती हैं, सिमलवाड़ा से आती हैं, बनकोड़ा से आती हैं, पाड़ा सकानी से आती हैं, केसरिया जी टीम जो हमारे चौकला में नहीं आती है, लेकिन हमने पहले से एक शेड्यूल बना हुआ है। केसरिया जी एक मेहमान की तरह हम इस टीम में उनको हिस्सेदारी देते हैं। सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, कल्याकोट, जो भी 42 हमारे गाँवों की चौकले की जो टीमें इस प्रतियोगिता में हम इसका आयोजन साल दर सागवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिमलवाड़ा है, बनकोड़ा है, ऐसे ऐसे ये रनिंग क्रिकेट प्रतियोगिता हमारी चलती रहती है। और इसमें हम सभी हमारे युवा खिलाड़ी और हमारे समाज के सभी वडिलगण, पुराने अध्यक्ष और सब मिल के इस तन मन धन से इस आयोजन को हम उत्साहवर्धक और प्रेम भाव से इस आयोजन का आगाज हम करते हैं। इस आयोजन में हमारे यहाँ अभी 13 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें आज का जो मैच हम खेला रहे हैं वो क्वालिफाई मैच होगा। जो मैच टीम आज जीतेगी वो 12 के राउंड में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद तीन तीन का ग्रुप हमारे 12 टीमों का बना हुआ है। हर टीम 2 मैच खेलेगी, 4 ग्रुपों में 4 टीमें निकलेंगी जो सेमीफाइनल फाइनल मैच के लिए आगे तक जाएंगी। और इस आयोजन का समापन 2 जनवरी रविवार के दिन इस आयोजन का समापन कर दिया जाएगा। तो आज कौन कौन सी टीम यहाँ पर खेल रही है? आज का ये जो ओपनिंग मैच है वो केसरिया जी ऋषभ देव और डूंगरपुर डी का फर्स्ट मैच, आज एक ही मैच का आयोजन है। और निरंतर इसके बाद हर दिन 2 मैच का आयोजन हमारा इस कार्यक्रम में रहेगा। जैसा कि नगरपालिका अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर उद्घाटन किया और टॉस उछाला था, कौन इसमें बल्लेबाजी करेगा और कौन इसमें टॉस जो जीता है डूंगरपुर डी ने जीता है, लेकिन उनका निर्णय बॉलिंग फील्डिंग का लिया हुआ है और केसरिया जी बैटिंग के लिए इस मैदान में अभी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। तो जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर 2 टीमें केसरिया जी और डूंगरपुर, दोनों टीमें आज पहले दिन यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है और ये निरंतर 2 जनवरी 2022 तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इसका लाइव कवरेज हम आपको प्रतिदिन दिखाते रहेंगे सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से। कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।